तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम टाबो में हैं एंड धनकार के लिए निकलेंगे। आज काफ़ी कुछ करना है, धनकार जाना है, देन धनकार लेक की ट्रैकिंग करनी है, देन वहाँ से पिन वैली जाना है, मुड विलेज, एंड देन फाइनली आज हम काजा पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी कुछ करना है आज, देखते हैं हम आज कितना कवर कर पाते हैं। यहाँ से हमने 2 kg एप्पल ले लिए, टाबो में लास्ट स्पिटियन एप्पल मिलते हैं, इसके बाद एप्पल मिलना बंद हो जाते हैं। तो हमने यहीं पे कोई रेस्टोरेंट था जो फ्रेश एप्पल दे रहा था 6 rupees per kg, हमने ले लिए वहाँ से 2 kg। टापो से निकलने के बाद स्पिति रिवर रोड के बिल्कुल साथ साथ चलती है। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी में चमकता पानी एंड उसके साथ साथ ड्राइव करने का अलग ही सुकून मिलता है। मन करता है ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो। हम जब नज़ारे देखने में खोए हुए थे तभी अचानक से स्पिति वैली इतनी बड़ी हो गई कि हम तो देखते ही रह गए। दैट व्यू वॉज सो ग्रैंड जस्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। Guys, we have reached Dhankar Monastery and just look at this view. मतलब imagine भी कर सकते हैं ऐसा कुछ view exist करता है। तो यहाँ वहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिति रिवर और पिन रिवर जो है उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। जो धनकर मोनेस्ट्री है काफ़ी ओल्ड है और जिस हिल पे वो है उसकी एज होती जा रही है, तो ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो इस वजह से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि धनकर मोनेस्ट्री की जो एज है वो लिमिटेड बची है। तो गाइस, हमने धनकर लेक की ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी से सांस फूलने लगे, हाइट इतनी ज़्यादा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड 1-2 घंटे की ट्रैक है आई थिंक, तो देखते हैं। टाइम भी हो रहा है, 1:30-2 बज गए हैं एंड हमें फिर काजा भी पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। इस पेड़ का नाम आई थिंक सी बक थ्रोन है। तो ये बहुत ही अच्छा बेरी का पेड़ है जिसकी बहुत अच्छी चाय बनती है। आज हमने सुबह होम स्टे में जिसमें थे रुके थे वहाँ चाय पी थी, सच में बहुत अमेजिंग थी। तो ये काजा में मिलेगी, हम वहाँ पर इसको परचेज़ करेंगे, तो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस। हमने 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है। स्टीप पार्ट थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा रिलेटिवली फ्लैट है, बट यहाँ बहुत विंडी है और ठंडी ठंडी हवा है। मतलब कैप लगा दे तो गर्मी लग रही है, हटा रहे हैं तो सर में ठंड लग रही है, पता नहीं क्या करें। वी आर अबाउट टू रीच, ये स्ट्रीम आ रही है, ये उसी से आ रही है।
सो गाइस हम फाइनली लेक पहुंच गए एंड इट इज़ सो सो ब्यूटीफुल. चारों तरफ माउंटेन्स हैं, कुछ स्नो पीक माउंटेन्स हैं एंड लेक एनचेंटिंग. इट्स सरप्राइजिंग टू सी कि मतलब जो भी स्पीति आते हैं बहुत कम लोग इस लेक तक आते हैं. यहाँ पर दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. ट्रैक थी थोड़ी मतलब ईजी है, वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. 45 to 1 hour लगते हैं, 45 minutes to 1 hour. थोड़ा विंडी है, थोड़ी ठंडी हवा चलती है, बस वही प्रॉब्लम है. अदरवाइज इट्स टोटली वर्थ इन दी एंड. यहाँ की जो सबसे अमेजिंग बात है वो है पिन ड्रॉप साइलेंस. मतलब विंड नॉइज़ के अलावा कुछ भी नहीं सुन सकते. जब विंड बंद हो जाता है तो इट्स कम्प्लीटली साइलेंट. इट्स लिटिल स्केरी बट सो सो पीसफुल. सो गाइस हम धनकर लेक से वापस आ गए हैं एंड हम डायरेक्टली काजा के लिए निकल रहे हैं. पिन वैली जाने का टाइम नहीं है क्योंकि 4 बज गए हैं ऑलरेडी एंड हम दिन दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि काजा तक की राइड एंजॉय कर सकें. मौसम भी थोड़ा अभी ख़राब था जब हम बटे में थोड़ा क्लियर हो रहा है बट कोई भरोसा नहीं है कि इसमें कुछ हो जाता है तो लैंडस्लाइड वगैरह फंस जाए. स्पीति वैली की सबसे अमेजिंग बात यह है कि व्यूज़ अच्छे और अच्छे होते जाते हैं. हर मोड़ पे आपको लगता है कि यह अभी तक का सबसे अच्छा व्यू था. यू कैन नेवर गेट इनफ ऑफ इट. हमेशा की तरह राइड बहुत जल्दी ख़त्म हो गई एंड 6 days की जर्नी के बाद हम फाइनली काजा पहुंच गए. सो गाइस हम फाइनली काजा पहुंच गए एंड हमने सिटी के आउटर में एक बहुत अच्छा होम स्टे लिया है. फैसिलिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट है व्यू. इससे अच्छा व्यू कुकाजा में कहीं नहीं मिलेगा. और बस ऐसे ही हमारी ट्रिप का एक और दिन एंड हो गया. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड कल की राइड भी बहुत ऑसम होने वाली है तो कीप वॉचिंग द सीरीज. तब तक के लिए बाय.